हेलो व्हाट्स अप गाइस, आपका मेरी एक और नई वीडियो के साथ फार्मिंग सिम्युलेटर 16 में स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे लास्ट बार आपने देखा ही होगा कि गाइस वो जो पीछे घर है जो कल्टीवेटर के साथ अटैच है गाइस, उस ट्रैक्टर को भी अपने खरीद लिया था। बाकी गाइस आज का अपना प्लान क्या है गाइस, यहाँ पर अपना प्लान है गाइस ट्रक खरीदने का। हाँ गाइस मैं बता देता हूँ कौन सा ट्रक हैगा। ये जो दिख रहा है गाइस ट्रक, इसकी कीमत है 2,85,000 डॉलर। इसको ख़रीदने वाले HP भी देख सकते हो गाइस 440, और स्पीड तो गाइस 80 किलोमीटर है, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हैगी इसकी। बाकी गाइस इसको यानी कि स्पेशली गाइस ये जो ट्रेलर है उसके साथ, और ये जो है गाइस ट्रांसपोर्ट का जो ट्रेलर है, ये दो ट्रेलर के साथ अटैच करके अपने कर सकते हैं, यानी कि ये दो ट्रेलर जो है उसके वास्ते अपने इसको ख़रीदने वाले हैं। क्योंकि गाइस ये जो चीज़ है यानी कि जो बोलते हैं ट्रेलर लो लोडर, इसका क्या आएगा गाइस अपने ट्रैक्टर से खींचते तो इतनी स्पीड नहीं आती, क्योंकि गाइस बीच में डोली भी आती है और टर्न लेने में अपने को दिक्कत आती है। लेकिन गाइस अगर अपने ट्रक को ख़रीद लेंगे तो वो दिक्कत नहीं आने वाली, और स्पीड भी गाइस बढ़ जाने वाली है काफ़ी ज़्यादा, और अपने कोई भी ट्रैक्टर की 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं है। इसीलिए गाइस मैं इसको तो ख़रीदने वाला हूँ, लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूँ ये जो ट्रेलर है इसको भी ख़रीद लूँ। वैसे गाइस ये जो है लो लोडर होता है अपने पास है, इसके लिए इसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइस देख लो गाइस 58 किलोग्राम जितना जो बोलते हैं ना अनाज को स्टोर कर सकता है, यानी कि ट्रेलर सबसे बड़ा अपने बोले ना ट्रेलर अपने पास यही हैगा, और ट्रक की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, उसको ही खरीदने वाले हैं। इस अभी जो सीडिंग का काम तो शुरू कर दे रहे हो, फटाफट मैं इसको निपटाने वाला हूँ। 30 डॉलर यानी कि 115 डॉलर अभी अपने पास बचे थे, और एंड टाइम पे यानी कि जो अपना गाइस तीसरा सेक्शन है उसकी फार्म की जो फसल थी गाइस उसको बेच दी, कि फटाफट जो काम उसको निपटाते हैं। यहाँ पे गाइस देख लो अपना बैलेंस हो चुका है 8,70,000 डॉलर के पास। बाकी गाइस जो फार्म है उसमें यानी कि कल्टीवेटर का काम करने का बाकी है, उसको बाद में ही निपटाने वाले। बाकी अपने जो बोला था ट्रक और ट्रेलर खरीदने का उसको सबसे पहले खरीदते, तो चलते हैं शॉप में। जो है 2,85,000 डॉलर का जो है ट्रक, इसको अपने खरीदने वाले। HP और स्पीड तो अपने पहले ही बता दी, बाकी इसको मैं सबसे पहले ख़रीद लेता हूँ। और गाइज यहाँ पे इसमें कलर चूज़ करने का भी अपने को ऑप्शन आ रहा है, लेकिन गाइज मैं कौन सा कलर लूँ वो मेरे को कुछ इतना ध्यान नहीं आ रहा। वैसे येलो शायद तक बढ़िया ही रहेगा, तो ख़रीद लेते हैं इसको। देख लो गाइज यहाँ पे जो अपना ट्रक है वो तो आ गया, बाकी इतना जो सोचा था गाइस नहीं बढ़िया लग रहा है। वैसे मेरे को रेड में ख़रीदना चाहिए था, बाकी गाइस मेरे को नहीं लगता कि गाइस अपने को इसको चेंज कराने का ऑप्शन मिलेगा, बल्कि फिर से चलते हैं शॉप में। ये जो ट्रेलर है गाइस इसको भी अपने ख़रीदने का बोला था, तो इसको भी ख़रीदते हैं। बाकी गाइस देख लो ये जो ट्रेलर है वो भी आ गया, बाकी गाइस यहाँ पे स्पीड में देख लेता हूँ। बाकी सीधा एकदम रोड, ओ भाई यहाँ पे स्पीड देख लो गाइस, वैसे 80 किलोमीटर पर आवर की बताई थी स्पीड, लेकिन गाइस यहाँ पे 75-76 किलोमीटर पर आवर पर ही जा रही है। देख लो गाइस यहाँ पे एकदम एंड से अपने शुरू करते हैं स्पीड, लेकिन काफ़ी जल्दी पकड़ रहा है अपना जो ट्रक है वो। देख लो गाइस कितनी ज़्यादा स्पीड में गया, बाकी देख लो इससे ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं रहा, यानी कि ऐसा समझ लो यानी कि जो स्पीड बताते हैं उससे यानी कि समझ लो
4-5 किलोमीटर कम ही होती है। बाकी इसको मैं अटैच करता हूँ, ट्रेलर का लुक क्या ही ज़बरदस्त आ रहा है। वैसे गाइस मैं इसको रेड में खरीदता तो मेरे हिसाब से बढ़िया लगता, लेकिन गाइस कलर चूज़ करने का अपने को पता नहीं था कि पहले अपने को मिलेगा। बाकी इसमें भी लग रहा है, लेकिन जो बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन इतना जो नहीं बैठ रहा है। बाकी फटाफट इसको लेके चलते गए जो अपना फार्म है वहाँ पे, कि स्पीड देख लो। ओ भाई यहाँ पे रुक जाओ भाई, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाने वाला है। सिंगल जो होता है ट्रक उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन ट्रेलर जब जुड़ जाता है और इतनी स्पीड होती है तो दिक्कत आती है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने संभाल लेंगे। देख लो बाकी थोड़े बहुत फार्म में यानी कल्टीवेटर का काम हो गया, थोड़े बहुत फार्म में बाकी, तो फटाफट उसको भी निपटाते हैं। बाकी फटाफट इसको मैं लेके पहुँचता हूँ अपने फार्म पर। बाकी गाइस देख लो ये जो अपना ट्रक है उसको तो अपने फार्म पे भी लेके पहुंच गए। बाकी आज का जो काम था है कि ये जो ट्रक है उसको ख़रीदने का वो हो चुका है। बाकी मेरे हिसाब से रेड कलर में इसको अपने को ख़रीदने का था, या फिर अपने को कलर चेंज करने का बाद में ऑप्शन देना चाहिए था, चाहे उसके पैसे लगते हैं। लेकिन गाइस एक बार ख़रीद लिया वो उसी में वो फिर मज़ा नहीं आता। बाकी अपना जो काम था वो तो हो ही चुका है, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को गाइस यहीं पर समाप्त करते हैं।